दोस्तों, अक्सर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े होंगे। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ गए तो आपको देखिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ वकीलों से मिलना पड़ेगा, अपनी फाइल को निकलवाने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और देखिए आपको अपनी अगली तारीख लेने के लिए भी वहाँ जाना पड़ेगा। तारीख कब है और केस का स्टेटस क्या चल रहा है, वह सभी जानने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से सारा कुछ डिटेल निकाल सकते हैं केस के बारे में, चाहे केस आपका हो चाहे किसी और का हो, या किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है, FIR कर रखी है, किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। तो देखिए, एक फाइल नंबर होता है CNR नंबर। अगर वो CNR नंबर आपको नहीं पता है तो आप, जब मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, जब आप अपने मोबाइल में उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको नाम सर्च करके, आप अपना नाम सर्च करके वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो आप अपना नाम, फादर्स नेम, और अगर आपको CNR नंबर पता चल जाए, नाम सर्च करके आप पता कर लीजिए, वहाँ अगर नहीं आ रहा है तो देखिए आप कई तरीक़ों से उस ऐप में जाकर आप पता कर सकते हैं। देखिए, ई कोर्ट सर्विसेज, जैसा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ई कोर्ट सर्विसेज नाम की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट से रिलेटेड सारे कुछ मसले आ जाते हैं, जहाँ पर भी आप सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। वहाँ उस ऐप में जाकर, ई कोर्ट सर्विसेज में जाकर, आपको देखिए अगर CNR नंबर पता है, अच्छी बात है, CNR नंबर से सर्च करके आप केस की डिटेल पता कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि उसमें केस का स्टेटस कैसे देखें, तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ और किस तरीके से अपना नाम सर्च करते हैं। अगर आपका ही केस है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको CNR नंबर पता होगा और आपको अपना वकील भी पता होगा, तो ये सब आप सर्च कर सकते हैं और घर बैठे ही अगली तारीख भी देख सकते हैं और कोर्ट का स्टेटस भी देख सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर आपके खिलाफ़ किसी ने कंप्लेंट करा रखी है, आपको नहीं पता है, तो आप उस ऐप में जाकर अपना नाम सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम किस किस केस में लिखा हुआ है, या आप पड़ोसी का या किसी और का नाम सर्च करके भी आप देख सकते हैं कि इस बंदे का केस तो नहीं चल रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो दोस्तों, यहां ई कोर्ट सर्विसेज की ये ऐप आ जाएगी, जहां पर कि इसका देख सकते हैं कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स इसने बनाई है ये ऐप, और इसके देखिए 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ई कोर्ट सर्विसेज में हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सभी स्टेटस, केस के स्टेटस सभी आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए सर्विसेज फॉर हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं और जिला न्यायालय होते हैं, उनकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, आप आ गए ऐप में, बस यहाँ से आप आ जाइए और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है ये CNR नंबर। केस का स्टेटस चेक करने के लिए अगर आपको CNR नंबर पता है तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। अगर आप केस स्टेटस ढूंढना चाह रहे हैं तो केस स्टेटस ढूंढने के लिए सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने पर केस की डिटेल देखने के लिए यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको अगर केस नंबर पता है तो केस नंबर से ढूंढ सकते हैं, पार्टी का नेम पता है यानी कि शिकायतकर्ता का नेम पता है तो वहाँ से ढूंढ सकते हैं, फाइलिंग नंबर पता है आपको तो यहाँ से, FIR नंबर भी पता है, अगर आपको एडवोकेट का नाम भी पता है, आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, केस का टाइप क्या है, तो इन तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये देखिए ये आ गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि CNR नंबर से कैसे ढूंढते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, वो अक्सर मेरे पास आते हैं और मेरे से अपना केस स्टेटस चेक करवाते हैं, तो उनका देखिए CNR नंबर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इनका CNR नंबर मैंने अभी कॉपी कर लिया है अपने मोबाइल से ही, तो यहाँ मैं देखिए ये पर्सनल डिटेल है, इसको मैं थोड़ा ब्लर कर दूँगा और ये CNR नंबर को मैं डालकर इसको मैं सर्च करूँगा, तो अब इस सारे केस की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सारा कुछ आ जाएगा कि केस टाइप क्या है, फाइलिंग नंबर क्या है, कब केस ये फिलिंग हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, CNR नंबर क्या है, तो यहाँ सभी कुछ आ जाएगा। यहाँ देखिए इनकी फर्स्ट हियरिंग डेट कौन सी है, नेक्स्ट हियरिंग डेट यानी अगली सुनवाई कब है, केस का स्टेज क्या चल रहा है अभी, और देखिए कौन सा कोर्ट है, कोर्ट कौन सा है, यहाँ पर ये कोर्ट नंबर एंड जज,
तो यहाँ पर देखिए कोर्ट नंबर एंड ये जज आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ CNR नंबर टाइप करके देख सकते हैं। अब देखिए और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो जैसे शिकायतकर्ता कौन है और उनका एडवोकेट कौन है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। इस पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल डिटेल है, बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अब देखिए रेस्पोंडेंट एंड एडवोकेट, मतलब जिसके जिस पर शिकायत की गई है, जिसकी कंप्लेंट की गई है, उसका नाम और उसके एडवोकेट कौन है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं इस केस में, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इनकी FIR डिटेल आ जाएगी, किस थाने में इनकी रिपोर्ट की गई है, केस हिस्ट्री आ जाएगी, केस को ट्रांसफ़र किया गया होगा एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, वो सभी यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए ई कोर्ट सर्विसेज़ की ऐप के अंदर जाकर आप पूरी केस की हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको CNR नंबर नहीं पता है तो आप कैसे चेक करें, तो आप देखिए केस स्टेटस के अंदर आ जाइए। तो यहाँ देखिए पहले स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अब यहाँ आपको मान लीजिए पार्टी नेम, तो चलिए यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, रेलवे कोर्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है या फतेहाबाद वाला है, तो आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, आगरा में जिला सत्र न्यायालय है वह। तो यहाँ पर देखिए नाम पूछ रहा है पेटिशनर एंड रेस्पोंडेंट, यानी कि शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता का नाम और जिसकी शिकायत की गई है उनमें से कोई भी एक नाम आप यहाँ टाइप कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ एक नाम टाइप कर दिया मैंने, और इनकी रजिस्ट्रेशन डेट टाइप कर दीजिए, जैसे कि कब इनकी कंप्लेंट, आई थिंक मैंने सन, यहाँ सारी डिटेल फिल करके आप इस पर बोथ पे क्लिक कर दीजिए, पेंडिंग डिस्पोज्ड बोथ, बोथ पे क्लिक करके इसको गो कर दीजिए। तो जो हमने डिटेल फिल की है इस डिटेल को ये चेक करेगा। तो देखिए दोस्तों ये डिटेल उठाता कहाँ से है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा डिजिटल कर दिया है, यानी कि सारा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन चढ़ा दिया जाता है। तो ये ऐप सीधी सीधी जो कोर्ट का डिटेल होता है, कोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इस ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ एक रिज़ल्ट आया, यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक केस आया है। तो इसकी डिटेल देखने के लिए मैं इसके ऊपर टैप कर दूँगा, क्लिक करने पर देखिए ये नीचे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये केस नंबर आ गया और पार्टी का नाम आ गया। अब इनकी डिटेल जानने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ और इनकी डिटेल के अंदर चले जाएंगे। तो CNR नंबर से और आप केस स्टेटस ऐसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।